सदानंदाम्बोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्बोजन्मच्छदसदृशशोभाक्षियुगल कृपापरावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरात्मनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी, श्री हरिकृष्ण महाराजनी, श्री गणश्याम महाराजनी जय। बधाई वाला भक्तों ने थी जय स्वामीनारायण। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी गई वखत आपणे तरंग बेनी कथा सांभळी, एमां दादा खाचरने भगवानना चरित्रो संभळाववानी शरूआत करे छे। आधारानंद स्वामीए छेल्ले नोंध्युं के दादा खाचरने अति सत्पात्र जाणीने स्वामीए भगवानना चरित्रो कहेवानी शरूआत करी छे। एमां आपणे हवे तरंग 3 नी कथा सांभळीए। सहजानंद स्वामी के महामुनिवर अपारा, तीन में सतानंद ही करी मुनि जन अधिक उदारा। चारों धाम फिरत फिरत आए पश्चिम देश, पंचतीर्थी करत तेहि लोज आए मुनेश। आधारानंद स्वामी लखे छे, मुक्तानंद स्वामी दादा खाचर ने कहे छे, श्री सहजानंद स्वामीना शिष्य महान मुनिवर्यो घना हता। भगवान स्वामीनारायणना संतो बहु महान हता, एटले अहीं लखे छे सहजानंद स्वामी के महामुनिवर अपारा, तीन में सतानंद ही करी मुनिजन अधिक उदारा। एमां एक सतानंद स्वामी हता, जे सतानंद स्वामी बहु ज ऊँची स्थितिवाळा हता, जे महान अने सिद्ध दशावाळा संतो हता। एमांना एक सतानंद स्वामी हता, उदार गुणवाने संत हता। 4 धामनी यात्रा करीने सौराष्ट्रनी अंदर पश्चिम देश ने विषे लोज गामनी अंदरे आव्या, एवी अहीं आगळ कथा आवे छे। श्रीमद सत्संगी जीवनना प्रकरणनी अंदर सुव्रत मुनि पोताना गुरु सतानंद स्वामीनी कथा कहे छे। आ सतानंद स्वामी एटले श्रीमद सत्संगी जीवन ग्रंथ रचवावाळा ज मुनि। सुव्रत मुनिए सौ प्रथम भगवानना चरित्रो कहता पहला पोताना सद्गुरुनु चरित्र कीधुं छे। एमां सतानंद स्वामीने मिथिला नगरीना विष्णुदत्त नामना ब्राह्मणना तेओ पुत्र हता। एमने त्यां एमनो जन्म थयो हतो। पोतानी स्वेच्छाथी एवा पवित्र परिवारनी अंदर प्रगटेला हता। बाळपणथी ज भक्तिपरायण हता। आ श्रीमद सत्संगी जीवनमां जे स्वामी विषे लख्युं छे हुं टूंकमां कहूं छुं। बाळपणथी ज भक्तिपरायण हता अने पोते भगवानने मळवानी तीव्र इच्छावाळा हता। एटले पोते ए बद्रिका आश्रमने विषे जाय छे अने बद्रिका आश्रमने विषे जई अने तप करे छे, भजन करे छे। फल फूल आदिकनो आहार करी भगवानने आराधे छे। अने त्यारे प्रबोधिनी एकादशी देवउठी एकादशीना दिवसे आखो दिवस उपवास करे छे, रात्रे जागरण करे छे। त्यारे सवारना 4 થી 5 वाग्याना सुमारे एमने भगवानना दर्शन थाय छे। भगवानना दर्शन थतानी साथे ज अति रोमांचित गात्र थईने भगवानने प्रार्थना करे छे, प्रभु मने तमे तमारी पासे राखो, मारे तमारा गुण गावा छे। अने त्यारे भगवाने एमने एम कीधुं कि अत्यारे हूँ उत्तर कौशल देश ने विषे, प्रगटी ने, गढ़पुर ने विषे, गुजरात में सौराष्ट्र काठियावाड़ एमां गढ़पुर ने विषे बिराजमान छूँ। तमे त्यां मारी पासे आवो अने तमे त्यां मारी पासे आवशो त्यारे हूँ तमने मारी पासे राखीश अने मारा गुणों गावानो तमने अवसर आपीश। त्यार पछी ए मुनि त्यांथी फरता 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 अमदावाद ने विषे आवे छे। अमदावाद में एमने खबर पड़े छे कि भगवान स्वामीनारायण डभान में छे। आ सत्संगी जीवननी कथा छे अने त्यां आगळ महाराजने मळे छे। आधारानंद स्वामीए ए ज कथाने अहीं आगळ कीधुं छे कि सतानंद स्वामी महाराजने लॉजमां मळ्या। क्यारेय पण कोईपण शास्त्रनुं आपणे वांचन करता होईए त्यारे घणी वखत संतोए लखेला गामोना पाठभेद आवे। कोई आ गाममां मळेला लखायुं होय, कोई आ गाममां मळेला लखायुं होय। महत्वनुं गाम नथी, महत्वनुं कोण मळ्युं अने त्यारे शुं थयुं ए सौथी अगत्यनुं छे। महाराज ने सतानंद स्वामी लॉज में मळ्या एवं आधारानंद स्वामी लखे छे। त्यार पछीथी महाराजे एमने त्यां दीक्षा आपीने संत कर्या छे, सतानंद नाम राख्युं छे। त्यां तेमणे सहजानंद स्वामीना दर्शन कर्या तेथी तेमना मनमा अतिशय आनंद थयो अने बहु ब्रह्मादिक वृंदना जेवा तेओए तत्काळ भगवानना संतोने ओळखी लीधा। तेथी हृदयमां शांति थई, आध्यात्मिक आदि त्रणेय टाप तड़ी गया। अने पछी ते महान संयमी संतवर्य संसार सागर तरवा माटे सहजानंद स्वामीना शरणे थया कि प्रभु हूँ तमारे शरणे छूँ। एमने कंईक भगवानने मळता कंईक एवी अनुभूति थई कि जे एमने 4 धाम फरवा छतांय क्यांय थई नहोती। एक तो मुमुक्षु होय अने मुमुक्षु एवो होय कि जे भगवानने झंखतो होय त्यारे एने परमात्मा मळे का परमात्माना संत मळे एटले मुमुक्षुनुं हृदय खेंचाय। लोही चुंबक तरफ लोढू होय तो खेंचाय। एम मुमुक्षु होय तो भगवान अने भगवानना मोटा साधुमां एनुं अचूक खेंचाण थाय। महाराजे जे सारंगपुरनुं 7मुं वचनामृत के ज्यां भगवानना एकांतिक साधु रहेता होय अने नैमिक शाण्य क्षेत्र जानवुं अने ज्यां इंद्रियोनी धाराओ घसाईने बूठी थई जाय अने नैमिक शाण्य क्षेत्र जानवुं, पण ए थाय कोने? जे मुमुक्षु होय। गुणातीतानंद स्वामी बातों में के निरंजनानंद स्वामी पास बैठा होय ने तो महाराज पास बैठा होय अने जेवू सुख वर्ते एवं समाधि जेवू सुख निरंजनानंद स्वामी पास वर्ते, पण वर्ते कोने? जेने एमां हेत होय एने। एम महाराज मळ्या के मोटा पुरुषों मळ्या, परंतु शांति एने ज थाय कि जे साचो मुमुक्षु होय। सतानंद मुनि ए तो एक मुक्त पुरुष छे। भगवानने मळ्या, हृदय में शांति थी गई, त्रणेय ताप टळी गया अने भगवानना शरणे थया। महाराज एमने शरणे लीधा, भगवानने 2 हाथ जोड़ीने प्रार्थना करे छे। हरि से पूछत ही सो कर जोरी, शुद्ध बुद्धि प्रभु कीजे मोरी। तुम सम शुद्ध न देखे को, चारु धाम फिर आए जो। तुम सम शुद्ध न देखे को, चारु धाम फिर आए जो। मेरे मन इच्छा रही जीमी, ऐसे गुरु मिलेऊ तुम तीमी। तुम्हारे दर्शन भय मोय जबही, अज्ञान तम उर गए तबही। सतानंद स्वामीए भगवान श्रीहरिने 2 हाथ जोड़ीने प्रार्थना करी छे, हे प्रभु તમે મારી બુદ્ધિને નિર્મળ કરો। હું ચારે ધામમાં જઈને આવ્યો છું। મેં આપના સમાન શુદ્ધ કોઈને જોયા નથી। મારા મનમાં જેવી ઈચ્છા હતી એવા જ તમે મને મળી ગયા છો। જ્યારે મને તમારા દર્શન થયા ત્યારે મારા હૃદયનું અજ્ઞાનરૂપી અંધારું ટળી ગયું છે। तुम्हारे दर्शन भये मोय जबहि अज्ञान तम उर गए तबहि। तमारा दर्शन थतानी साथे मारा हृदयमांथी अज्ञान दूर थई गयुं छे। वाला भक्तों ज्यारे भगवानना दर्शन थाय छे त्यार पछीथी जेने भगवाननी अनुभूति एक वखत जेवा छे एवा छे तो एना एज आपणी नजरनी सामे छे एना एज छे। ए कांई जुदा नथी। अनुभूति करावा वाळा अने आपणने देखाता बे जुदा नथी। परंतु ज्यारे इंद्रियो अंतःकरण अने आत्मा त्रणेव एक थईने भगवानना दर्शन करे छे त्यारे अनुभवात्मक दर्शन थाय छे जेने लक्ष्यार्थ ज्ञान कहेवामां आवे छे। एवा ज्ञानने अने एवा दर्शनने ज्यारे जीव पामे छे त्यारे जीवना हृदयमां रहेलुं अनंत प्रकारनुं अज्ञान छे, तिमीर मायानो जे तिमीर अंधकार छे ए नाश थई जाय छे अने भगवाननो प्रकाश पथराई जाय छे। सतानंद मुनि ए तो एक मुक्त पुरुष छे, परंतु मारा अने तमारा उपदेश माटे आ मुक्त पोताना जीवनने आवी रीते रजू करता होय छे। भगवानना दर्शन करतानी साथे एमना हृदयनी अंदर रहेलो अंधकार नाश पाम्यो। जेम जेवी रीते सूर्य उदय थाय अहीं लख्युं छे जैसे निशिके तम अनंता सूर्य उदय भये आवत ही अंता मम ही अंतर भये है ऐसा अंधकार उर रहे न लेशा। जेवी रीते सूर्य उदय थाय अने रात्रिनु गमे एवुं अंधारू होय तो दूर थई जाय एवी ज रीते मारा अंतरनी अंदर तमने मळतानी साथे ज तमाम अंधारू दूर थई गयुं छे। तब तेही शुद्ध मुमुक्षु जानी। आवेनी आ कड़ी बहु सारी छे। तब तेही शुद्ध मुमुक्षु जानी ध्यान में बैठाए हित आनी। भगवान ने जयरे सतानंद स्वामी आवी बात करी है त्यारे भगवान एमने शुद्ध मुमुक्षु जान्या छे। मुमुक्षु नी आगळ शुद्ध शब्द वपरायो छे। हूँ अने तमे मुमुक्षु चोक्कस छीए। आपणे मोक्षनी इच्छावाळा छीए, एना कारणे ज आपणे भजन भक्ति आदि करीए छीए, परंतु आपणी मुमुक्षुतामां अशुद्धता घणी भळेली होय छे। शुद्ध मुमुक्षु एने कहेवाय के जेने भगवान ने भगवानना साधु विना सुख थाय ज नहीं। गुणातीतानंद स्वामीनी वातो स्वामी पोतानी वातोमां कहे छे के जे मुमुक्षु होय एने तो भगवान ने भगवानना साधु सिवाय सुख ज ना थाय। आपणे मुमुक्षु छीए, परंतु ज्यारे आ कथामांथी ऊभा थईए, ज्यारे आपणे आध्यात्मिक जे प्रवृत्ति छे एमांथी बहार निकळीए अने जगतनी वातोमां जईए, जगतना व्यवहारोमां जईए, विषयोना योगमां जईए, त्यारे आपणे भूलाई जाय छीए के हूँ आत्यंतिक कल्याण माटे छूं, हूँ पुरुषोत्तमने मळवा माटे छूं। आवुं लक्ष्य आपणे चोक्कस चूकाय छे। एनी पाछळनुं कारण आपणे मुमुक्षु नथी एम नहीं, मुमुक्षु तो छीए, परंतु आपणी अंदर पड़ेली पंच विषयनी आसक्ति, कोई मायानु अज्ञान, एना कारणे आपणी शुद्ध मुमुक्षुता नथी रहती। सतानंद स्वामी शुद्ध मुमुक्षु छे एटले भगवाने एमने शुद्ध मुमुक्षु जानी अने पछी ध्यानमां बेसाड्या। घणीक वखत आपणी अपेक्षाओ घणी होय। कोई भगवानना मुमुक्षुने भगवान अने मोटा साधु बहु एनी उपर कृपा वरसावता होय। आपणे एनी बाजुमां बेठा होय ने त्यारे आपणने पण थाय के हूँ पण आवी कृपानो अधिकारी थई जाऊं, परंतु आपणे एवुं जोता नथी होता, जानता नथी होता कि आ मुमुक्षु पर भगवान अने मोटा पुरुषोनी बहु कृपा वरसे छे। ए कारण विना नथी वरसती। ए मुमुक्षु पण एवो ज छे। शुद्ध मुमुक्षु तरफ ऑटोमेटिक भगवान अने मोटा खेंचाय छे। सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामीए कीधुं एकने जोईए छे त्यां वृत्ति ठरी जाय छे, ठरी जाय छे। एनी पाछळनुं कारण ए छे के एनी मुमुक्षुता एवी छे। सतानंद स्वामीने जोया त्यारे नीलकंठ अरियागढ़ श्रीजी महाराजे जे एमने कराव्यु छे अहीं लखे छे। तब ते ही शुद्ध मुमुक्षु जानी ध्यान में बैठा एहित आनी। अंतर दृष्टि किन तत्काला अंतर दृष्टि किन तत्काला निज स्वरूप की हरि दयाला निज स्वरूप की हरि दयाला। भगवान एमने शुद्ध मुमुक्षु जाणीने ध्यान में बेसाड्या। दयाळु श्रीहरि अंतरदृष्टि करी अने एमने पोताना सहजानंद स्वामी स्वरूपनु यथार्थ ज्ञान कराव्यु। तमे विचारो, पहली मुलाकात में महाराज पोताना स्वरूपनु यथार्थ ज्ञान करावे छे ए केवा हशे। यथार्थ ज्ञान केवुं ए अमने आगळ लखशे। आधारानंद स्वामी जेना माटे आ ग्रंथ लखे छे ने ए वात तरंग 3 नी अंदर ज स्वामीए लखी दे। तरंग पहेलामां ज ताते मम गुरु परम दयाला मुक्तानंद मुनि कृपाला एनी नीचेनी ज कड़ी में लख्यू। हूँ कोना गुणगान लखू छू तो अनंत अवतारना अवतारी एवा भगवान स्वामीनारायणना गुण लखू छू। अहीं आगळ एम लखे छे के शुद्ध मुमुक्षु जाणीने सतानंद स्वामीने महाराजे पोताना स्वरूपनु यथार्थ ज्ञान आप्यु। वचनामृत में श्रीजी महाराज कहे छे, कोई गाय डीठी, गायनु पूछडू डीठू अने एम के मैं गाय जोई तो खोटू तो नहीं, पण एने गायनु पूछडू डीठू छे। कोई गायनु सींगडू डीठू अने के मैं गाय जोई तो खोटू तो नहीं, पण गायनु सींगडू ज भाड्यु छे। कोई गायना पग जोया अने के मैं गाय जोई तो खोटू तो नहीं, पण आखी गाय एने जोई नथी। सम्यक गाय तो जेने आखी गायनु ज्ञान थाय एने ज गाय जोई कहेवाय। एम भगवान भगवान करवू तो बधा आखी दुनिया करे छे, परंतु भगवाननु यथार्थ ज्ञान, भगवान स्वामीनारायणनु भजन तो हजारों लोको करे छे, हजारों लोको करे छे, पण आ महाराज केवा छे एनु यथार्थ ज्ञान। ए ज्ञान बधा पासे नथी। ए कोईक आवा महापुरुषोनी वातो सांभळवाथी वांचवाथी आपणने मळे छे। मुक्तानंद स्वामी जेवा सद्गुरु ज्यारे ओळखावे, आधारानंद स्वामी जेवा सद्गुरु ज्यारे लखे, पूज्यपाद गुरुजी जेवा मोटा साधु ज्यारे एना हृदयना अभिप्राय आपणी उपर दया करीने ठालवे त्यारे महाराजनुं यथार्थ स्वरूप ओळखाय। स्वामीने ज्ञान थयुं। केवुं ज्ञान थयुं ए लखे छे। आ जगतना दंभथी गुरु बनी बेठेला फरता होय तेओ पण कोई मोक्षना अनादि सिद्धांतने जानता नथी। तेओ अज्ञानथी भर्या होय छे। धर्म भक्ति वैराग्य अने शुद्ध ज्ञाननो तेमां नाश थयो होय छे। अंतर्यामी श्रीहरिए एमने शुद्ध ज्ञान आप्युं। स्वयं जेवा अक्षरधाममां रह्या छे तेवा सत्संगमां रह्या छे। ए सिवाय पोते जे अपार प्रताप देखाड्यो तो अनंत जीवात्माओनुं महाराजे कल्याण कर्युं हतुं ए बधुंय हे दादा खाचर, हे उत्तम राजा। मुक्तानंद स्वामी दादा खाचर ने कहे छे, हे उत्तम, ए कथा हूँ तमने कहूँ छूं, एकाग्रचित थईने सांभळो। श्रीहरिना वचनथी सतानंद स्वामीना हृदयमां प्रकाश थयो छे। जे चित्तमां चींतवता ए वस्तु पोतानी पासे ज देखता हता। सतानंद स्वामी आवता पहेला महाराजे जे लीला चरित्रो कर्या छे, महाराजे जे आत्माओनुं कल्याण कर्युं छे, महाराजे जे लीला जे गाममां करी छे। महाराज रामानंद स्वामीने मळ्या त्यारे रामानंद स्वामी साथे शुं चरित्र कर्युं, मुक्तानंद स्वामी साथे शुं चरित्र कर्युं, महाराज बाळपणमां महाराजे शुं चरित्रो कर्या, महाराज प्रगट थया त्यारथी नहीं पण प्रगट थता पहेलानी कथा, बद्रिका आश्रममां साप थयो आदिक तमाम, अने अक्षरधामाधिपति आ पृथ्वी पर आव्या ए तमाम त्यांथी मांडीने ज्यांथी महाराजनुं आववानो संकल्प थयो छे त्यांथी मांडीने तमाम चरित्रो सतानंद स्वामीने पोताना हृदयमां देखावा लाग्या। केवा कृपापात्र हशे। अहींया पोतानी नजर समक्ष अनुपम वर्णिना समान वेशधारी रहेला श्रीहरिने ज तेमने अक्षरधामना मध्यमां श्रीकृष्ण स्वरूपे देख्या। पोताना हृदयमां प्रकाश थयो। बधुं एमना चित्तनी अंदर एमने सौ प्रथम तो भगवाने धामना दर्शन कराव्या। केवी रीते तो अहीं लख्युं छे के जेवी रीते दूरबीनना काचथी दूर रहेली वस्तु नजीक देखाय एवी रीते सतानंद स्वामी ने बधुज पोतानी पासे देखावा लाग्युं। अक्षरधाम पण पोतानी पासे देखावा लाग्युं। दिव्य सिंहासन महाराजनुं पोतानी पासे देखावा लाग्युं। अने एने सिंहासन उपर बैठेला कोणे जोया तो जेने एने लॉजमां जोया छे ने, जेने सहजानंद स्वामी एमने ध्यानमां बेसाड्या छे ने जे जोया छे ने एने ज एमने सिंहासन पर बैठेला जोया। श्रीहरिनी अलौकिक रीत जोईने सतानंद महामुनि आनंद पाम्या। एमना गुरु समान बीजा कोईने मान्या नहीं। एमना गुरु एटले सहजानंद स्वामी, एमना समान एमने कोई लाग्यु नहीं। त्यार पछी एमने रामानंद स्वामी उद्धवनो अवतार हता ए पण भगवानने समीपे जोया अने एमने पण संतना रूपमां देख्या। दुर्वासाना शापथी आ भूमि उपर आव्या हता, अवतरेला हता। धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि जे कोई आ पृथ्वी पर अवतार्या हता, बीजा मुक्तो पण जे आ पृथ्वी पर आवेला हता, बधुं सतानंद स्वामीने देखावा लाग्युं। जाने रेकॉर्डिंग क्लिप होय अने पोतानी सामे देखाय एम सतानंद स्वामीने हृदयनी अंदर प्रकाशने मध्य आ बधुं ज देखावा लाग्युं। कया मुक्त कई जग्याएथी आ पृथ्वी पर आव्या छे ए पण स्वामीए जोयुं। महाराज केटला समर्थ छे एटले ज निष्कुळन स्वामीए लख्युं, आ मूर्ति सौथी न्यारी अचरजकारी छे, आ मूर्ति सौथी नोखी अचरजकारी छे, आ मूर्ति नहीं अन्य जेवी अचरजकारी छे, हरिधरी न दर्शे एवी अचरजकारी छे। सतानंद स्वामी ने आवतानी साथे पूर्वे जे थयुं तू, पूर्वे जे मुक्तो ज्यां ज्यांथी आव्या छे एनुं अवतरण क्यांथी थयुं, कोणे त्यां थयुं, एने संसारनो त्याग केवी रीते कर्यो, ए गृहस्थ आश्रममां छे तो केवी रीते छे, आ बधुं ज सतानंद स्वामीने देखावा लाग्युं। त्रिकाळदर्शी थई गया भगवाननी कृपाथी। एमने रामानंद स्वामीना उपदेशथी अनेक देशों सोरठ, हालार, झालावाड़, कानम, वाड़ा, काठियावाड़, गोहिलवाड़, भाल, गुजरात एमां जे जग्याए रामानंद स्वामीए सत्संग कराव्यो हतो ए पण एमने देखावा लाग्यो के रामानंद स्वामी आ गाममां गया त्यां आवी रीते स्वामीए उपदेश कर्यो। जेने दारू माटी छोड़ावी हती स्वामीए, जेने स्वामीए भगवाननी भक्ति करता कर्या हता, ए बधुं ज एमने देखावा लाग्युं। रामानंद स्वामी जे सदाव्रतो बांध्या था ए पण सतानंद स्वामी ने देखावा लाग्या। नीलकंठवरनी लॉज में आव्या ने मुक्तानंद स्वामी ने मळ्या ए पण सतानंद स्वामी ने देखावा लाग्यो। कीधा विना आ महाराज करी शक्या मुक्त। हामेना पात्र बेय एवा, महाराज एवा, मुक्त एवा, एटले आवुं थाय। रामानंद स्वामीए दारू, मांस, चोरी, व्यभिचार, व्यसनोनो त्याग करावता, आत्मघात नहीं करो आवो स्वामी उपदेश देता। मिथ्या कलंक ने विधवा, मिथ्या कलंक कोई पर न नाखून, विधवा स्त्रीनो स्पर्श न करवो, आवी जे स्वामीना उपदेश आपता तजावता, कोई देवतानी निंदा न करवी, जीवोनी हिंसा न करवी, भगवाननी कथा न सांभळवी, आवो उपदेश रामानंद स्वामी देता। ए बधो उपदेश सतानंद स्वामीए जे मुमुक्षुओने दीधो ए जोयुं। पछी लखे छे, पुनी सतानंद ही पूछन लागे। बधुं जोयुं, आवुं बधुं जोया पछी सतानंद स्वामी पाछा पूछवा लाग्या। पुनी सतानंद ही पूछन लागे, देखी सुबहित ही अति अनुरागे, ऐसी जोरीत न देखे कबहू, अनंत ही जुग हो गए जब हो। सतानंद स्वामीए जे बात करी छे विचारवा जेवी छे। स्वामी कहे छे के अनंत युग वीती गया छे पण आपना जेवी कल्याणनी रीति तो मैं क्यांय देखी नथी। महाराज ने कहे छे अनंत युगोथी हूँ जोऊं छुं। आ तो मुक्तता, आ कई जीव नोता। अनंत युगोथी हूँ जोऊं छुं पण तमे जे आ कल्याण कर्युं छे, एमने जे जोयुं, आवी कल्याणनी रीत तो मैं क्यांय जोई ज नथी। सतानंद स्वामी कहे छे त्रिकाळदर्शी पुरुष आवुं बोले छे, हे हरि, आपनी जे अलौकिक रीत छे ए समग्र लोकोने माटे सुखरूप छे। अनंत जीवोना मोक्ष करवा माटे आ रीत तमे देखाडी छे। जेहि जन रीत एहि अनुसरहि, शोभव सिंधु सहजे तरहि, स्वामी नारायण नाम तुम्हारा, जेहि जन जपहि जो अबवारा, स्वामी नारायण नाम तुम्हारा जेहि जन जपहि जो अबवारा। तीन के जन्म मरण होय नासा जम किंकरन आवहि पासा। तुम्हारे सब चरित्र पुनीता ऐसे को जुग में न सुनीता। है महाराज, तमारा भगवान तमारू स्वामीनारायण एवं नाम जे छे एने कोई जो जपे तो एना जपवाथी ए सहजे भवसिंधु पार उतरी जाए। एटलू ज नहीं, तिनके जरन जन्म मरण होय नासा। स्वामीनारायण मंत्रनुं नाम, स्वामीनारायण मंत्र कोई जपे, स्वामीनारायण भगवाननु आ नाम कोई जपतु होय तो एने जन्म अने मृत्युनो भय टळी जाए। स्वामीनारायण महामंत्रनो प्रताप एवो छे के जम किंकर क्यारे एनी पासे न आवे। आपणे जे आ स्वामीनारायण महामंत्र जपीए छे ने बहु महान मंत्र छे, बहु ज महान मंत्र छे। एटले तो गुरुजी कहे छे ने खंडित पण ना करवो। धून बोलो तो पण खंडित कर्या विना बोलो। गुरुजीने आग्रह एवो सदाई रह्यो छे। एनी पाछळनुं कारण ए छे के स्वामीनारायण महामंत्र भगवाने स्वयं आप्यो छे। शीतळदासनुं आख्यान विहारीलालजी महाराजना ग्रंथ दरमियान आपणे घणी वखत सांभळ्युं छे अने त्यारे स्वामीनारायण महामंत्र महाराजे प्रगट कर्यो अने त्यारे जे कड़ियो बोलाय जे स्वामीनारायण नाम लेशे तेना बधा पातक बाळी देशे। छे नाम मारा श्रुति में अनेक सर्वोपरि आ जगनाय एक। जो अंत काले श्रवणे सुनाय पापी गणो ते पन मोक्ष थाय। ते मंत्र थी भूत पिशाच भागे ते मंत्र थी तो सद्बुद्धि जागे। ते मंत्र जेना मुख थी जपाय तेना थकी तो जमनासी जाय। श्री स्वामीनारायण जे कहेशे भावे कुभावे पन मुक्ति लेशे। स्वामीनारायण महामंत्र जपाय तो भूत अने प्रेत पण भागी जाए। सत्संगी जीवन सागर मंथन में पूज्य ब्रह्मस्वरूप स्वामी एक बहु सरस दृष्टांत लख्यू है। बहुत टूंक में कहीश कारण के आपड़ा ग्रंथ पर जवुं छे। अमदावाद में कालूपुर मंदिर नी पासे एक शाला स्कूल, ए स्कूल नी अंदर एक नानो छोकरो भणे। त्यानो ए शिक्षक हतो, ए शिक्षक काल भैरवनो उपासक हतो। आ छोकरो अने एनो मित्र कालूपुर मंदिर नी अंदर जाय। एमां सभा मंडपमां कथा थाती हशे, हरिलामृतनी कथा चालती हशे, शीतळदासनुं आख्यान आव्युं, स्वामीनारायण महामंत्रना कथा आवी अने स्वामीनारायण महामंत्रनो महिमा त्यां जे संत कथा करता हशे गाता हशे के तमने गमे त्यारे कोई गमे एवुं दुख आवे, भूत प्रेतादिकनो उपद्रव थाय तमे स्वामीनारायण 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 बोलो अने प्रयोग करी जोजो। क्यारेक महाराजना मंत्रनो प्रयोग करी जोजो। तमने क्यारेक समाजनी अंदर कोईने वडगाट देखाय ने एनो खाली हाथ जालीने स्वामीनारायण बोलजो। ए बड़े छे ने दूर जतो रहेशे तमाराथी। गम्मे एवो भय आवे स्वामीनारायण कोई और प्रयोग करवा माटे। समाजनी अंदर तो जे लोग भगवान नहीं भजता एने त्यां तो आवी बधी उपाधिओ होय ज छे ने। आ जईने खाली स्वामीनारायण बोलो। जो लंडननी अंदर भगतजी हारे हता, अमे गया था। एक घरनी अंदर एक जनने आवो वळगाट अमे धोन करीए ने एटलू कूदे ना पूछो वात, धमाल धमाल करी मूके। धोन चालू करीए ने भागे, आम थी आम भागे ने आम थी आम भागे। एवं थयुं तो अमारे 3 दिवसनो अनुभव थयो तो। स्वामीनारायण महामंत्र बहु बड़ियो छे, एनी ताकत बहु ज छे। माटे हालता चालता गुरुजीए कथा करी छे ने रूडू स्वामीनारायण नाम नित्य संभारीए रे। बस हालता चालता खाता पीता स्वामीनारायण 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 करे ज राखीए। मोटा भयमांथी आपणे तारी दे। सतानंद स्वामी कहे छे महिमा। ओलो छोकरो रोज मंदिरे जाईने एने सांभळ्युं के ज्यारे तकलीफ होय त्यारे स्वामीनारायण बोलवुं। ओलो शिक्षके छोकराने एक दिवस के मारे घेर चाल, घेर लई गयो। घेर लई जईने पछी एने स्कूटर उपर बेसाड़ी अने स्मशाનમાં લઈ ગયો। કાલ ભૈરવનો ઉપાસક એને બલી ચડાવવા માટે આ છોકરાને લઈ ગયો। न्यायने काल भैरवनी उपासना करी। काल भैरव आव्यो अने कीधुं आ बली तैयार छे। ओलो छोकरो तो काल भैरवने जोईने ध्रुजी गयो, पण एने ए टाइमे याद आव्युं के स्वामीनारायण बोलवाथी दुख दूर थाय। ओला स्वामी कहेता हता ए नानुं बाळक स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोले। ओलो काल भैरव त्यांथी दूर भागे। ओला शिक्षकने जईने कहे आते मारो बली तैयार कर्यो, पण ए तो मोढामां स्वामीनारायण स्वामीनारायण करे छे। एनाथी तू मने पहला एनो मंत्र बंद कराय तो हूँ एने बली खाई सकीश, नहीं तो हूँ एने अड़ी नहीं सकूँ। अने त्यारे ओलो शिक्षक कहे छे ए छोकरा आ तारूँ बंद कर, स्वामीनारायण स्वामीनारायण नपास करीश परीक्षा में। के ओलो छोकरो के तारे नपास करवो नपास करजे, पास करवो पास। पण एने खबर पड़ी गई कि हूँ स्वामीनारायण बोलूँ छूं एटले आ दूर गयो छे, एटले तो वधारे मोटेथी स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलवा लाग्यो। काल भैरवनो अमुक समय हशे, ए समय एनो पूरो थयो एटले पछी एने बली ना मळ्युं। ओला शिक्षकने स्मशाननी अंदर एनुं लोही चूसीने न्याय एनुं शरीर नाखी दीधुं, मारी नाख्यो एने अने जतो रह्यो। पछी छोकरो एटलो बधो गभराई गयो, नानो बाळक आवी घटना जोवे कोई दी जोयुं ना होय, अने गभराटना कारणे स्वामीनारायण स्वामीनारायण एक ज बकवा एनो उपड़ी गयो। कारण के एक नानुं बाळक क्यारेय पण जोयुं ना होय, काल भैरवने ना जोयो होय अने स्मशान एने ना जोयुं होय, आनी अंदर आवी भयानक स्थितिनी अंदर होय त्यारे बाळक केटलुं भयने पाम्युं होय। पण एने स्वामीनारायणनी रटना लागी, घेर गयो। एना माँ बाप आगळ कांई बोले नहीं, बस स्वामीनारायणने ध्रुज्या करे। पछी एना माँ बाप एने मंदिर में लई गया। मंदिर में ठाकुर जी ने धरावेलू जल आप्यू, संतोए पीधू। अने त्यार पछी छोकराए पोतानी आखी घटना कीधी कि मने मारा साहेब आवी रीते लई गया था अने आवी घटना घटी। एक आवो भयानक कोईक मानस आव्यो, ए काल भैरव करता था मारा शिक्षक, अने एने खबर नहीं न्यायनू एने चूसी नाखी दीधो। ए छोकराए आखी आ वात कीधी। त्यारथी ए लोको सत्संगी थया। आपणने खबर नथी घनी वखत कस्तूरी मृगना डूटा में कस्तूरी होय एम जगतनी अंदर मंत्र मात्रनो राजा। जगतनी अंदर हजारों मंत्रों जपाय छे, शास्त्रों में अबजों मंत्रों लख्या हशे, परंतु स्वामीनारायण मंत्र ए तमाम मंत्रों राजा छे। बाकी बधी प्रजानी जग्याए छे, भगवान स्वामीनारायणनो आ मंत्र राजानी जग्याए छे। माटे स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। बीजू ध्यान थयुं के न थयुं, महाराजनी मूर्ति सिद्ध थई के ना थई, पण स्वामीनारायण स्वामीनारायण जपवामां तो कोई सिद्धिनी जरूरत नथी। तो जीभथी बोल्या करवानुं छे, रटण करे राखो, हालता चालता खाता पीता नाता धोता। अहीं आगळ कहे छे के तमारो स्वामीनारायण मंत्र एवो छे के ए जे जपे छे, सतानंद स्वामी कहे छे भगवानने के हे प्रभु तमारो आ मंत्र एवो छे, तिनके जन्म मरण होय नासा, एना जन्म ने मृत्युनो नाश थई जाय। प्रथम प्रकरणनुं 56मुं वचनामृत। अंत काळे जो स्वामीनारायण मंत्र कोईना मोढाथी जपाय अथवा संभळाय ते चोक्कस ब्रह्ममोलने ज पामे, ब्रह्ममोलने ज पामे। बोलो भाग्यशाળી होय एने आवुं थाय। एटले ज्यारे आपणा अंतकाळ होय, आपणा घरमां बीमार होय कोई, आपणने खबर होय के हवे आ थोड़ा दिवसना ज आ लोकमां मेहमान छे, त्यारे एनी आजूबाजूमां महामंत्रनी धून मूकी दो, एनी आगळ महाराजनी मूर्ति मूकी दो, एना कानमां स्वामीनारायण मंत्र जाए एवुं करी दो। आवुं करो, ए मंत्र बहु सहाय करे, बहु सहाय करे। तिनके जन्म मरण होय नासा, जम किंकर न आवही पासा। जमदूत आववाना होय तो भागी जाए। स्वामीनारायण मंत्र सांभळे ने एने जमदूत दूरथी ज पगे लागी ले, अहीं मारुं काम नथी, भागो। कुसंगी व्यक्ति होय अने जो सत्संगी आरे होय तो आपड़ा सत्संग में एवी घटनाओं घटी है कि सत्संगीना गाड़ामां कुसंगी पड्यो होय ने कुसंगीने लेवा माटे जमदूत आववानो होय, पण सत्संगीना गाड़ामां होय तो जमदूत उपाड़ी नथी शकता। ए पण कथा छे, क्यारेक प्रसंगोपात कहेशुं। आ ग्रंथ तो घणोय लांबो छे एटले ग्रंथ दरमियान ज क्यारेक ए वातो आवशे त्यारे कहेशुं। अहीं आगळ सतानंद स्वामी एवं कहे छे मैं आ बधुई जन्म मरण टाड़ी नाखे छे, आवा चरित्र में कोई युग में सांभळ्या नथी। आपणा बधा चरित्र परम पवित्र छे, आवा चरित्र मैं क्यारेय सांभळ्या नथी। अने लखे छे आगळ के ए बधुं मैं मारी आँखोए जोयुं छे, आ बधुं ज मैं मारी आँखोए जोयुं छे, अने ते पण हूँ आपने शरणे थयो छूं, एटले ज हूँ तमारा शरणे थयो छूं। कारण के मैं मारी आँखोए आ बधुं जोयुं, मारा हृदय में तमे मने बताव्यू। अत्यारे आपना प्रतापे हूँ जे चिंतवुं छूं ए मने प्रत्यक्ष देखाय छे। भूत वर्तमान ने भविष्य त्रणेयने हूँ देखूं छूं। आखा ब्रह्मांडोना बधा ज लोकोने बधा ज लोको आपड़ा चरित्रनुं गान करे छे। आखा ब्रह्मांडमां एक ज भजन थाय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान जदी प्रगट नोता थया ते दी आ ब्रह्मांड में जे भजन थातुं होय पण महाराज प्रगट थया ने पछी तमे कैलास में जाओ तो स्वामीनारायण ज जपाय छे, वैकुंठ में स्वामीनारायण, गोलोक में स्वामीनारायण, बधे स्वामीनारायण ज जपाय छे, बधे महाराजना कीर्तनों ज गवाय छे। मध्यनु 19मुं वचनामृत वाँचजो। महाराज के अमे आजे गोलोक में गया ने आ ब्रह्मानंद स्वामीना मुक्तानंद स्वामीना कीर्तन गवाय छे। बोलो न्याय गवाय छे। महाराज प्रगट थया ने पछी बधे ए ज थई गयुं। अहीं आगळ लखे छे, आगळ अक्षरधाम में रहे उजेते सो सब गान करत हेते ते गोलोक वैकुंठ धाम जेहा तीन में रहे पार्षद तेहा सो सब गान करत हित लाई ते ही में नीत सुनत हो जाई। सांभळजो शू कहे छे के अक्षरधामनी अंदर रहेला जे मुक्तो छे ये तमारा चरित्रनु गान करे छे। एटलुं ज नहीं, गोलोक वैकुंठ धाम जेहा, गोलोक अने वैकुंठ धाम में रहेला जे पार्षदो छे ए पण तमारा गुणोनुं ज गान करे छे, तमारा चरित्रनुं ज गान करे छे। तेही में नित सुनत हो जाई, ते हूँ नित्य त्यां जईने सांभळुं छुं। अक्षरधाम में सतानंद स्वामी जाय छे, गोलोक में जाय छे, वैकुंठ में जाय छे, बधी जग्याए जाय छे, त्यां बधे महाराजना चरित्रो ज गवाय छे। एटलुं ज नहीं, श्वेतदीपवासी मुनि जेहू तेही गान करत सब तेहू। श्वेतदीपवासी जे मुनिओ छे ए पण बधाय तमारा ज प्रतापने गाय छे। आवुं सतानंद स्वामी लखे छे। बोलो गोलोक वैकुंठ धामना पार्षदो आपना चरित्रोनुं गान करे छे। हूँ रोज त्यां जईने सांभळुं छुं, महाराज रोज जईने सांभळुं छुं। पछी लखे छे आगळ, बद्रिका आश्रम धाम मही नर नारायण देव चरित्र तुम्हारे कहत नित पाई मुदती एवं। एटलुं ज नहीं, बद्रिका आश्रम में नर नारायण देव पण तमारा चरित्रो गाय छे। आवुं सतानंद स्वामी लखे छे। जो आधारानंद स्वामीए ग्रंथनी शरूआत में सर्वोपरिता चालू कर दीधी। आपणी गुरु परंपरानी अंदर ज आपणने सर्वोपरिता मळेली छे। मुक्तानंद स्वामीए वात करतानी साथे सर्वोपरिता चालू कर दीधी। नरनारायण देव पण महाराजना गुणों गाय, श्वेतदीपवासी वासुदेव नारायण पण महाराजना गुणों गाय, वैकुंठवासी लक्ष्मीनारायण पण महाराजना गुणों गाय अने गोलोकवासी श्रीकृष्ण ने एना मुक्तो पण महाराजना गुणों गाय। आवुं सतानंद स्वामी जोवे छे। 14 लोक अने 9 खंडों में मैं स्वयं ध्यान करीने जोयुं, ए बधी ज जग्याए देवताओं पण बधाय तमारा चरित्रो सांभळे छे, बीजा बधाय सांभळे छे। ए सिवायना अनंत अवतारो जे जे धाममां रह्या छे। अवतार जो अपार जो जो रहे धाम मही सो सब ही अबवार गान करत हे चरित तौ। अंदर जोईने एक वखत गाजो, बहु मजा आवे एवी कड़ी। अवतार जो अपार जो जो रहे धाम मही सौ सब ही अबवार गान करत है चरित तौ, गान करत है चरित तौ। अवतारो जे अपार छे, एक अवतार नहीं, 24 अवतार नहीं। आधारानंद स्वामी लखे छे, मुक्तानंद स्वामी दादा खाचर ने कहे छे, हे उत्तम। सतानंद स्वामी महाराज ने एम कहे छे के अवतार जो अपार जो जो रहे धाम मही, अनंत अवतारो जे जे धाम में रह्या छे, सोहु सभी अब वार गान करत है चरित तौ। ये बधाय महाराज तमारा चरित्रों गान करे छे। अवतारो जे महाराजनु गान करे छे, महाराजना चरित्रो गाई छे, ये भगवान स्वामीनारायणना चरित्रो आपणे गाईए छीए। बोलो धामों में जे वात थाई छे ए वात अहीं, अने ए वातो सांभळीने ज बधा अलग अलग धामना मुक्तो आ पृथ्वी पर आव्या। ईश्वरचरणदासजी स्वामीनुं आख्यान आपणे सांभळेલું છે। वडनगरवाळा ईश्वरचरणदासजी स्वामी अहीं आगळ एना 5 जन्मनुं आख्यान स्वामीए स्वयं लख्युं છે ને આપણે અહીં સાંભળ્યું હતું। 1126 વિરાટ નારાયણ થયા एटला विराट नारायण थया एटलू जूनू एनी पासे राज्य हतुं। 35 ब्रह्मांडोना राजा हता, गोलोकधामना मुक्त हता। भगवान श्रीकृष्ण साथे आ पृथ्वी पर एमना दीकरा तरीके जन्म लीधो तो पाछा श्रीकृष्णनी साथे गोलोक में गया। गोलोकना पाछा मुक्त त्याना हता, मुक्त थया अने पछी एमने गोलोक में सांभळ्युं के अक्षरधामाधिपति नरनारायणने निमित्त करीने पृथ्वी पर आवे छे, त्यारे स्वामी महाराजने मळवा माटे आ पृथ्वी पर आव्या। त्यार पछीथी चौथा जन्मे स्वामी महाराजने मळे छे। विस्तारथी कथा आपणे जे ते समये सांभळी छे। एटले अनंत धामोना मुक्तो केम आ पृथ्वी पर आव्या? कारण एक हतुं, ए धामोमां पण महाराजनी वातो थवा लागी। गुणातीतानंद स्वामीनी प्रकरण 4 ની 10મી वात, एमां स्वामी कहे छे व्यापकानंद स्वामीने महाराजे कीधुं इंद्रलोकमां जई आवो। ते व्यापकानंद स्वामी कहे जई आव्यो। बोलो एटली वारमां तो के जय आव्यो। महाराज के श्वेतदीप में जय आओ, जय आव्यो। बद्रिका आश्रम में जय आओ, जय आव्यो। महाराज के भूमापुरुषना लोक में जाओ। अने व्यापकानंद स्वामी भूमापुरुषना लोक में जता था ते रस्ता वच्चे 1000 माथानो दैत्य बैठो तो। व्यापकानंद स्वामी के महाराज ने तो 1000 माथानो राक्षस बैठो छे। महाराज के 1000 माथानो राक्षस बैठो होय तो तमे एनाथी मोटुं रूप धारीने एने हरावीने पछी आगळ जाओ। व्यापकानंद स्वामी न्या जईने हरावीने आगळ गया। 10,000 माथानो दैत्य मळ्यो। पाछा आव्या, महाराज ने तो 10,000 माथानो दैत्य। महाराज के तमे एनाथी मोटुं रूप धारण करो अने एने हटावीने आगळ जाओ। फरी पाछुं एनाथी मोटुं रूप धारण कर्युं, महाराजने हंभारीने आगळ गया। श्वेतदीप अरे भूमापुरुषना लोकमां गया अने भूमापुरुषे त्यारे व्यापकानंद स्वामीनुं स्वागत कर्युं, पोतानी गादीए बेसाड्याने पूजन कर्युं अने तरत व्यापकानंद स्वामीने कीधुं के पूर्ण पुरुषोत्तमनो अवतार पृथ्वी पर थयो? त्यारे सतानंद स्वामी के हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण। व्यापकानंद स्वामी के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण अत्यार पृथ्वी पर प्रगट थया छे। अने त्यारे भूमापुरुष के मने भगवाने कीधुं तुं के ज्यारे हूँ आ ब्रह्मांड में आवीश त्यारे मारा साधु ने तमारी पासे मोकलीश, एटले तमने मोकल्या। तमे मने भगवानना चरित्रो संभळावो। अने भूमापुरुष पण व्यापकानंद स्वामी पासेथी महाराजना चरित्रो सांभळे छे। ए ज स्वामीनी वातोनी अंदर 30 નંબરની વાતની અંદર આવે છે આગળ જતાં પ્રકરણ 4ની, અને એની અંદર એમ કહે છે કે સ્વામી ત્યાં આગળ સંતદાસજી સ્વામીની વાત છે ને સંતદાસજી સ્વામી દલુજી પાસે જાય છે, જે ભક્ત ચિંતામણીમાં આખ્યાન છે ને દલુજી ત્યારે સંતદાસજીને પૂછે છે કે ભગવાનના ચરિત્રો મને કહો, અને ત્યારે સંતદાસજી ભગવાનના ચરિત્રો કહે છે કે ભગવાનનો અવતાર આ કેવો થયો? સંતદાસજી કે આ અવતાર નહીં, આ તો સર્વ અવતારના અવતારી છે। આવી બધી વાતો કરે છે કે આને તો બદ્રિકાશ્રમમાં નરનારાયણ દેવ પણ આમના જ ચરિત્રો ગાય છે, જે અહીં સતાનંદ સ્વામી લખે છે। આવા અનંત ચરિત્રો આપણા ગ્રંથોમાં લખાયા છે। મહારાજનું અવતારીપણું જ અહીં સ્વામીએ લખ્યું છે। સતાનંદ સ્વામી કહે છે, સતાનંદ સ્વામી આ કહેલી આ વાત અતિશય આશ્ચર્યકારી છે, અને સાંભળીને બહુનામી શ્રીહરિએ તેમને કહ્યું, હે મુનિ, તમે મારી વાત સાંભળો। हूँ तमने प्रेम भावथी कहूँ छूं, तमे जे आ मारो प्रताप जोयो छे ने ए तमारे तमारा मनमा ज राखो। वगर पात्रे क्यारे कोईने आ वात कहेवी नहीं। सुपात्रने वात करजो, आ बधी वातो हृदयमां राखजो, पचे नहीं। अहीं आगळ बधा एम जानता होय के आ स्वामीनारायण तो नरनारायण छे। महाराज क्यारे के अमे श्रीकृष्णना दास छीए तो तरत केटलाक एम जानता होय के महाराज तो कृष्णना भगत छे। कोई एवं जानता है कि आ तो राम है, ये ज स्वामीनारायण है, कारण के राम उपासी राम ने देखे, कृष्ण उपासी कृष्ण ने पेखे। आवुं बधुं महाराजे कोईने राम उपासी तेने राम रूपे दर्शन आप्या, नूशी उपासी नूशी रूपे दर्शन आप्या, मुसलमानों हता एने पैगंबर रूपे दर्शन दीधा। हवे ए बधा तो एम जाने के आ मारा राम है ने आ मारा कृष्ण है ने आ मारा नूशी है ने आ मारा वामन है। हवे एने तमे एम कहो के नरनारायण वैकुंठ लोक में रामचंद्रजी ने गोलोक में श्रीकृष्ण बधाई आ भगवान स्वामीना चरित्रों गाय है तो अपचो थी जाए। कोईक महाराज ने सुख ने शनकादिक जेवा जानता है तो प्रॉब्लम थी जाए। एटले महाराज के आ मैं तमने बताव्युं छे ने तमारा हृदय में राखजो, जेने तेने कहता नहीं। सतानंद स्वामी ने महाराजे आवुं कीधुं। ए सुपात्र जानीने तमे वात करजो, पात्र विना कहेवामां आवे तो एनाथी कांई फायदो थाय नहीं, अपचो थाय, उलक थी जाए। स्वामी के जन्मो जन्म थी बीजी बधी घेड़ पड़ी गई है ने एना कारणे आवी वातो करीए तो पथ पड़ती नथी ने उलक थी जाए छे, पचे नहीं कोईने। एवी वातो छे। असुर जातिना मनमा मोह, असुर जातिना मनमा मोह रह्यो होय छे, ते मारा चरित्र सांभळीने द्रोह करवा लागे छे। मारा चरित्र आवा सांभळे ने त्यारे द्रोह करे छे। एटले महाराजे सतानंद स्वामी ने कीधु, बात सतानंद की यह जोई, अति आश्चर्यकारी ही सोई। सो सुनी के सहजानंद स्वामी, बोलत भय मुनि से बहु नामी। भगवाने कीधु मुनि ने, सुन हो मुनि तुम वचन हमारा, तुमको कहत है करी प्यारा। अनंत प्रताप हमारे जेही, देखे में तुमको आए तेही। सो मन में रखना निज केरा, बिन पात्र न केना को उवेरा। पात्र देखे बिन कहत ही जेवू, तिनको समास न करत ही तेहू। पात्र विना जो तमे बात करशो ने तो समास नहीं थाय, माटे तमारा मनमा राखजो। मारा चरित्रो दिव्य कहेवाय। जे मनुष्य असद्भावनाथी तेने चाहे छे, जे मनुष्य सद्भावनाथी एने चाहे छे, कहे छे ते परम पद ने मोक्ष ने पामे छे। फरीथी एने संसार सागर में भटकवू पड़तुं नथी। मारो अवतार अने चरित्र तमे जोया छे। सतानंद स्वामी ने कहे छे बधाने, ये बधाने ग्रंथ रचीने तेमा कहेवा। ग्रंथ में वर्णव्या सिवाय ते चरित्र कायम रहे नहीं। जे अवतारों पूर्वे थया छे, एना ग्रंथों रचाया छे, एना कारणे जे अवतारों महिमा पृथ्वी पर रह्यो छे। माटे तमे पण एक ग्रंथ सारो रचो। जे अवतारों थया छे एमना स्वरूप अने स्वभाव ग्रंथ द्वारा प्रगट जोवामां आवे छे। एमनी रुचि पण जाणी शकाय छे। कोईपण मनुष्य ग्रंथ विना तेने जाणी शकतो नथी। ग्रंथ जोईए। महाराजे मध्यनु 98 वचनामृत महाराज के पोताना संप्रदायनी पुष्टि पोताना संप्रदायना ग्रंथे करीने ज थाय। महाराजे सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी ने कीधु, स्वामी अमे तमने आज्ञा करीए छीए, तमे देह पर्यंत तमारा इष्टदेव संबंधी चरित्रोने लख्या करजो। आवी तमने आज्ञा करीए छे। मुक्तानंद स्वामी ए आज्ञाने माथे चढ़ावी। महाराजे वचनामृतमां कीधु के रामायण करीने रामचंद्रजीनी ज पुष्टि थाय अने श्रीमद भागवते करीने कृष्णनी ज पुष्टि थाय। पण रामायणे करीने कृष्णनी ना थाय अने भागवते करीने रामचंद्रनी ना थाय। एवी रीते तमे पण तमारा इष्टदेव संबंधी। मुक्तानंद स्वामीने आवी आज्ञा करी छे। एटले मुक्तानंद स्वामीए पोते अनेक ग्रंथो लख्या अने आ स्वामी बोले छे ने आधारानंद स्वामी लखे छे। ए पण जाने मुक्तानंद स्वामीए स्वयं लखेलो ज ग्रंथ कहेवाय। आधारानंद स्वामीए लख्युं, हूँ मारा गुरु मुक्तानंद स्वामीनी कृपाथी लखूं छूं। कृपाथी लखे छे। कृपा एटले स्वयं थई गया। आजे अमे जे कंई करता होय गुरुजीनी कृपाथी करीए छीए, एटले अमे नथी करता, ए गुरुजी ज करे छे। कृपानो अर्थ ज ए थाय के तमे नथी, ए पोते छे। एम आधारानंद स्वामीए लख्युं, ए मुक्तानंद स्वामी बोल्या, ए लख्युं। एटले स्वामीए केवड़ो मोटो महाराजना चरित्रोनो आ ग्रंथ लख्यो। सतानंद मुनिए श्रीहरिनी आज्ञा माथे चढ़ावी, एमना हृदयमां स्नेहभाव राखी अने एमने ग्रंथ लखवानो आरंभ कर्यो। व्यास मुनि, सुखदेव जी, नारद मुनि, चार सनकादिको, नौ योगेश्वरों, वशिष्ठ, वाल्मीकि एवं मुख्य 18 स्मृति धर्मशास्त्र लेखक मुनिओ अने पैल, जैमिनी, वैंसपायन अने सुमंतु जे व्यासना शिष्य 4 वेदना आचार्य हता। आ बधाए ऋषिमुनिओ दुर्वासाना शापथी अवतरीने ज्यां रहता हता त्यांथी श्री गोपीनाथजी महाराजना मंदिरमां तेओ रह्या। जे आपणा संतो हता ने ए बधाए मोटा मोटा ऋषिमुनिओ कोई हता, कोई अक्षरधामना मुक्तो हता, कोई बीजा धामोना मुक्तो हता। आवा अनंत बधाई जेने पूर्वे जे शास्त्रों रच्या था, ये तमाम शास्त्रोना रचेताओ, ये तमाम शास्त्रोना मीमांसको, ये तमाम शास्त्रोना वेत्ताओ, ये तमाम शास्त्रोना जानकारो, ये बधाए गढ़पुर में गोपीनाथजीना मंदिर ने विषे आधारानंद स्वामी लखे छे। बधा भेगा थया छे। बधाए कोई महाराजनी उपासना ने समझेला छे, तो कोईने उपासना में क्या जेवी छे वे महाराज ना समजाया होय तो अक्षरधामना मुक्तोनो समागम करीने पोतानी उपासना दृढ़ करवा माटे अवतारो पण आव्या छे, अवतारोना मुक्तो पण आव्या छे, ऋषिमुनिओ पण आव्या छे। आ बधाए गढ़पुरने विषे रह्या छे। सतानंद स्वामीए श्रीमद सत्संगी जीवन नामनो ग्रंथ गढ़पुर में रहीने गोपीनाथजी महाराज आगळ श्रीजी महाराजनी हयाती में लख्यो छे। श्रीजी महाराजे श्रीमद सत्संगी जीवन ने पोताना माथे लईने गोपीनाथजी महाराजनी प्रदक्षिणाओ करी छे। श्रीजी महाराजे श्रीमद सत्संगी जीवन माटे रमणीयम इदम शास्त्रम सर्वशास्त्र शिरोमणि आवा बधाई उपमाओ आपी छे, जे श्रीमद सत्संगी जीवननुं महात्म्य पण आपणा आदिगुरु सद्गुरु मुक्तानंद स्वामीए लख्युं छे। हेमंतसिंह राजाने कीधुं छे, जे आपणे पूज्यपाद गुरुजीनी कथा दरमियान घणी वखत सांभळेलुं छे। एवो ग्रंथ स्वामीए त्यां रच्यो छे। आवी कथा सद्गुरु मुक्तानंद स्वामीए दादा खाचरने संभळावी छे। श्री सहजानंद स्वामी शिष्य सिद्धानंद मुनि विरचिते હરિચરિત્રનું સાગરના પ્રથમ પૂરમાં ગઢપુર શ્રી ગોપીનાથજીના મંદિરમાં સતાનંદ મુનિએ સત્સંગી જીવન ગ્રંથ કરવાનો આદર કર્યો એ નામે ત્રીજો તરંગ સમાપ્ત થયો. શ્રી ગણશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવ ભક્તિધર્માત્મજં વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી ગણશ્યામ મહારાજ.